नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे शानदार सेशन की, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, या फिर आ जाए आपका लॉट्स ऑफ। देख रहे हो, ऑफ 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 आ रहा है ना, प्लेंटी ऑफ। तो आप मुझे कहोगे, सर एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्या आगे नाउन तो लगाओ कि भैया मोस्ट ऑफ क्या नाउन तो आना पड़ेगा। सम ऑफ बॉयज, मोस्ट ऑफ बॉयज, तो नाउन तो लगाना पड़ेगा ना सर। जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब। लो जी, वैसा नाउन वैसी वर्ब कर देते हैं। अगर नाउन आता है सिंगुलर नाउन तो सर वर्ब लगा देंगे सिंगुलर वर्ब। अगर नाउन आता है प्लूरल तो वर्ब लगा देंगे प्लूरल। अगर नाउन आता है अनकाउंटेबल, और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जिसको काउंट ही नहीं कर सकते यार, सिंगुलर वर्ब लगा दो। अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। नोट करो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके फिर हम एग्जांपल्स करेंगे और आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ जी हम इसके हम एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट इसके एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, a lot of books are lying on the table। अब हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, on the table। There was plenty of reasons for postponing the meeting। अब आप लोग है ना, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये चैप्टर ना बहुत बड़ा है सर, बहुत पॉइंट्स हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप बड़े खुश नसीब हैं कि ये जो मैं आपके लिए चैप्टर बना के लेके आ रहा हूं, ये चैप्टर का नाम तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन मैंने इस चैप्टर को इतना खास तराशा है ना कि पूरी इंग्लिश एडजेक्टिव, एडवर्ब, मॉडल, कंजंक्शन, जो जो भी चैप्टर है उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं सारे आपको इस चैप्टर में करवा रहा हूं। इसके बाद में एक एक चैप्टर दोबारा करेंगे, इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी दोस्तों। आपको ये वाला चैप्टर पूरी इंग्लिश का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसमें मैंने आपको पूरी इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट क्रीम है, जो घी है, जो बटर है, वो मैं चैप्टर में आपको दे रहा हूं। समझ रहे हो आप कहोगे कम कर दो, मेरे को पॉइंट काटने पड़ेंगे, वो मैं काटूंगा नहीं, मैं करवाऊंगा सारे के सारे पॉइंट जो पेपर में आते हैं, ठीक है, ताकि जब पेपर में बैठे तो मजा आ जाए कि सर सारे पॉइंट करवाए हुए आए थे आपके। देखो, मोस्ट ऑफ के बाद में क्या है, गर्ल, प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। लॉट ऑफ के बाद में क्या है, बुक्स, प्लूरल है, सही है। देयर के बाद में जो वर्ब है वो अगले शब्द पे डिपेंड करता है, प्लेंटी ऑफ रीजंस,
बहुत सारे कारण, तो बहुत सारे हो गए ना, तो सर वाज की जगह क्या कर दो, वर कर दो। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमें क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 10% ऑफ आ जाए, 20% ऑफ आ जाए, 20% ऑफ आ जाए, ऐसे करके कितने भी परसेंट आ जाए, या ऐसे आ जाए 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, आप नहीं बोलते 1/3, 2/3, 2/3 ऑफ, या क्या आ जाए 3/4 ऑफ, और क्या आ सकता है 9/10 ऑफ, और क्या आ सकता है सर जी, रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, पार्ट ऑफ। तो इनमें भी आपके माइंड में एक चीज आई कि सर 10% ऑफ किसका, पार्ट ऑफ किसका, नाउन तो बताना पड़ेगा कि 20% ऑफ बॉयज, 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स। तो इनके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, और जैसी नाउन वैसी वर्ब। अगर सिंगुलर नाउन तो सर लगा देंगे सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन तो सर लगा देंगे प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन तो सर लगा देंगे सिंगुलर वर्ब। वही पीछे वाली बात यहां तक करो आप फटाफट। फिर हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आओ टू थर्ड्स ऑफ द बुक हैव बीन रेड, जो रीड होती है ना, इसको थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड, थर्ड फॉर्म ऐसे ही लिखी जाती है। नेक्स्ट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, चलो ये वहीं लिख देते हैं, उधर है स्पेस, हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, 20% जो विद्यार्थी है वो इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्या है, हाफ ऑफ द फर्नीचर, हाफ ऑफ द फर्नीचर आर येट टू बी सेंड, आर येट टू बी सेंड। समझ में आई दोस्तों आपको बात? तो आओ अब फटाफट वर्ब लगा देंगे हम। सर बुक है तो एक ही बुक है ना, तो हैज आएगा, 20% ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सर स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं तो हैव आएगा, और सर फर्नीचर तो सर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इज आएगा। समझ में आई बात, नोट करिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस पॉइंट पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास इंग्लिश में कुछ जोड़े होते हैं जो हमेशा साथ में आते हैं, जैसे इधर है ना, इधर के साथ हमेशा आएगा और, नीदर के साथ हमेशा आएगा नोर, नॉट ओनली के साथ क्या आएगा बट ऑल्सो, ठीक है। और हमेशा अकेला आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट और ही है पेपर में जो बहुत बार आता है और, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, इनको ये कंजंक्शन है सारे, ये सारे के सारे क्या है कंजंक्शन है। अब इनमें हमें कैसे पता चलेगा सर वर्ब सिमिलर आएगी या प्लूरल आएगी, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, इनके साथ जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के करीब जो वर्ब होगी उस सब्जेक्ट के ओडिंग हम वर्ब लगाएंगे कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ठीक है भाई। एग्जाम्पल करते ही आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल करते ही दोस्तों जैसे ही मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा आप बता दोगे कि कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर हमारे एग्जाम में देखा गया है। आइए दोस्तों इसका एग्जाम्पल करते हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इधर यूर वाइफ, तो पहला सब्जेक्ट क्या हो गया वाइफ, क्या आपकी पत्नी, इधर यूर वाइफ और योर सिस्टर्स, और योर सिस्टर्स हैज बीन इनवाइटेड टू टी, क्या आपकी पत्नी को बुलाया गया है या फिर आपकी बहनों को बुलाया गया है चाय पे। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा अपना जो एग्जाम्पल है वो ये है, neither your parents nor your teacher have supported you। एक बार आप ट्राई करें फिर मैं आपको ये करवाता हूं सोल्व, पढ़ा भैया आप ट्राई कर। चलो इतने एक काम कर सकते हो आप, एक मिनट रुको, एक चीज आपको खानी है, मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट करें फटाफट लिस्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आइए मेरे प्यारे दोस्तों हम उस पॉइंट को समझते हैं। चलिए जी देखिए, अब आप इस पॉइंट को ध्यान से समझो। यहां पे देखो इधर है और है, नीदर है और नोर है। क्लियर है, दिख गया आपको। और यहां पे ना दो सब्जेक्ट है, देखो एक तो ये रहा वाइफ और एक रहा सिस्टर्स। ऐसे यहां पे क्या है, एक रहा पेरेंट्स और एक रहा टीचर। अब हमें ये देखना है कि जो वर्ब है, ये वाली जो वर्ब है ये किसके नजदीक है। आप खुद देखो ना, ये जो वर्ब है ये सिस्टर्स के ज्यादा नजदीक है या ये वाइफ के ज्यादा नजदीक है। तो आप बोलोगे सर वर्ब सिस्टर्स के ज्यादा नजदीक, और यही बात मैंने बोली थी कि जो वर्ब है ना वो नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो उसके पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो पास में तो सर प्लूरल है, तो सर प्लूरल लगा दो आप। अब यहां पे आते हैं सर, ये रही वर्ब, ये रही वर्ब। सर ये वर्ब, एक बात बताओ, टीचर के नजदीक है या पेरेंट्स के नजदीक है। सर पेरेंट्स तो वाक्य के शुरुआत में है और टीचर वाक्य के पीछे है, तो ये वर्ब टीचर के अकॉर्डिंग आएगी। सर टीचर क्या है, टीचर तो सिंगुलर है, तो आप हैव की जगह क्या कर दो, हैज कर दो। करिए प्यारे दोस्तों नोट, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोर देन वन, मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोर देन वन का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से। ये वाला क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है ना तो बच्चे गलत करके आते हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों। देखो पहला पॉइंट, इसके दो पॉइंट हैं, मोर देन वन प्लस में सिंगुलर नाउन। अब वर्ब बताओ कौन सी आएगी, जो मोर देन वन में ना हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और बच्चों को लगता है कि प्लूरल वर्ब आती है। आप ऐसे याद रखो कि मोर देन वन में आपको लग रहा है कि ज्यादा आएगा, कि एक से ज्यादा है प्लूरल वर्ब आएगी, पर यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों आ रही है, क्योंकि यहां पे सिंगुलर नाउन आता है हमेशा मोर देन वन के बाद में। अगर ये वाला वाक्य ऐसे आ जाता ना, दूसरा वाक्य कैसे आता है, मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन, यानी अगर देन वन से पहले नाउन आ जाता, अगर यहां पे बीच में नाउन आ जाए तब आप कौन सी वर्ब लगा देना, प्लूरल वर्ब लगा देना। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा पेपर में। अगर मोर देन वन है हमें लगता है प्लूरल आएगी, आएगी सिंगुलर। अगर मोर देन वन में बीच में नाउन आ गया, मोर नाउन देन वन, तब आप क्या लगा देना, प्लूरल वर्ब लगा देना। नोट करो, फिर मैं एग्जांपल करवाता हूं इसके। चलिए एग्जांपल देखते हैं, मोर देन, मोर देन वन पॉलिटिशियन, मिनिस्टर लिख लो आप आसानी से समझ पाओगे, मोर देन वन मिनिस्टर हैव बीन हैंग्ड, हैव बीन हैंग्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं,
मोर स्टूडेंट्स देन वन इज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू वो गाना भी है ना, तू चल मैं आई। आइए दोस्तों, तो देखो मोर देन वन मिनिस्टर, सर यहां पे एक की बात हो रही है इसलिए यहां पे हैज लगा दो। सर यहां पे देखो मोर स्टूडेंट देन वन आया है, यानी नाउन बीच में आया है तो यहां पे आर लगा दो, बड़ा आसान है, नोट करें। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सेंटेंस कौन से होते हैं दोस्तों? काल्पनिक, कौन से होते हैं? काल्पनिक वाक्य। इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटेंस वी यूज वर, इन प्लेस ऑफ वाज। और इस पे लगा लेना दोस्तों इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है ये वाली बात, बहुत बार, कि जब भी कोई काल्पनिक वाक्य होगा जहां आप कल्पना कर रहे होंगे, कोई सच्चाई नहीं होगी, आपको नहीं पता कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ, आप श्योर नहीं है, तो उन वाक्यों में आप हमेशा वाज की जगह क्या लगा देते? वर लगा देंगे, हमेशा क्या लगा देंगे? वर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाक्य काल्पनिक है? तो एक ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, इन वाक्यों की शुरुआत पता है किससे होगी? जनरली इफ, एज इफ, एज दो, मतलब मानो जैसा कि, एज दो, आई विश, काश, है ना, वुड दैट, तो इन वाक्यों की शुरुआत हमेशा इससे होगी। आप समझ जाना कि वहां पे हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, कल्पना की गई है वाक्य के अंदर। आओ एग्जांपल करते हैं। इफ सपना वाज माई बेटर हाफ, आई वुड बी वेरी हैप्पी। अगर सपना मेरी पत्नी होती तो मैं बड़ा खुश होता। आप कल्पना कर रहे हैं, आपकी पत्नी है तो नहीं, आपकी पत्नी है तो नहीं, तो वाज काट और वर कर दो, काम खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। If I was a doctor, I would serve the poor. तीसरा example देखो। She looks as if She was a rock star. वो rock star लग रही थी, है तो नहीं, She was a rock star. As if, जैसे लग रही थी, मानो जैसे, as if, तो है तो नहीं ना, was काट के वर कर दो। ऊपर वाले ने क्या बोला कि अगर मैं डॉक्टर होता, if अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, है तो नहीं डॉक्टर, कल्पना कर रहे हो, वर कर दो। फिर मैं दोस्तों बातें नोट करो।
चलिए दोस्तों आइए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे अरिथमेटिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहां पे कहीं पे मैथ की बात हो रही है, तो आप वहां पे सिंगुलर वर्ब लगा देना। अगर किसी वाक्य में कोई अरिथमेटिक मैथ की बात हो रही है, कोई ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी है, तो वहां पे आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगा देना। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कैसे। एग्जांपल देखिए, 20, वैसे 20 ना इंग्लिश में TWENTY लिखना चाहिए, मैं वैसे लिख रहा हूं 20, चलो वैसे लिख ही देता हूं यार, 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 20 को 5 से करेंगे। नेक्स्ट, 4 and 4 makes 8. 4 and 4 make 8. ठीक है, देखो मैथमेटिक्स की बातें हो रही है ना, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 मैथ की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब लगा दिया। 4 and 4 make 8 ये मैथ की बात हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब लगाओ ना, वर्ब के आखिरी में एस आता है, वही सिंगुलर होती है। दोस्तों नोट करें, चलिए दोस्तों आओ बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं, एक वर्ड तो होता है नीदर नोर, एक वर्ड होता है सो, एक वर्ड होता है सच, और एक वर्ड होता है एस। नीदर नोर सो सच एस, इनके मतलब भी लिख देता हूं मैं। नीदर नोर का मतलब होता है भी नहीं, भी नहीं। सो का मतलब होता है भी, सच का मतलब होता है ऐसा, ऐसे, ऐसी, ऐसे, ऐसा और ऐसी, और एज का मतलब होता है वैसे ही, जैसे, वैसे ही। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको, वैसे इनके बिना भी अपना काम चल जाएगा। इन तीनों शब्दों के बाद में, इन सॉरी चारों शब्दों के बाद में जो वर्ब आती है, जो वर्ब आती है वह इन पे निर्भर नहीं करती। इनके बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब आएगी। समझाई बात? यानी इनके बाद में जो ये वर्ब आती है वो इन शब्दों पे डिपेंड नहीं करती, इसके अगले शब्द पे डिपेंड करती है। आप ये नोट करो, मैं आपको बताता हूं कैसे एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल देखो आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल करते हैं, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई डोंट लाइक क्रिकेट, नीदर डज यू, नीदर डज यू। नेक्स्ट लिखो, सच हैव बीन द स्टोरीज ऑफ छोटा भीम। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें,
सपना डांसेस ब्यूटीफुली एज डज, जैसे उसकी बहनें करती है, एज हर सिस्टर्स। तो आइए दोस्तों, बहुत आसान है, देखिए एक बार ये समझ जाओगे आप। यहां पे वर्ड आया नीदर, यहां पे वर्ड आया सच, और यहां पे वर्ड आया एज। तो इनके बाद में जो वर्ब आती है ना, वो उसके अगले शब्द पे डिपेंड करती है। अगला क्या है? यू। सर यू के लिए तो प्लूरल वर्ब आती है, तो डज की जगह क्या आएगा? डू। सर सच के बाद में जो वर्ब है वो उसके अगले वर्ड पे डिपेंड करेगा, स्टोरीज, तो बहुत सारी कहानियां होगी, तो ये बिल्कुल सही है। एज के बाद में जो वर्ब है वो उसके अगले शब्द पे डिपेंड करेगी, सिस्टर्स, बहुत सारे बहने हैं, तो क्या आएगा? डू, क्योंकि डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है। समझ में आई बात दोस्तों? अगर आपको ये कंफ्यूजन है ना अभी भी कि कौन सी वर्ब सिंगुलर कौन सी वर्ब प्लूरल, तो मैंने ट्रिक बता रखी है, जिस वर्ब के आखिरी में एस है वो सिंगुलर है, बात खत्म, एस एस नोट करो आप। चलिए आगे बढ़े, आओ जी आगे बढ़ते हैं। When the name of country, when the name of country is treated as a team, plural verb in case of sports activities, singular verb in other activities. देखो क्या कह रहे हैं, हम बोलते हैं ना इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। अब इंडिया और पाकिस्तान है तो देश के नाम, मैंने यही तो लिखा, जब भी हम देश का नाम टीम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम देश का नाम टीम के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, है ना, तो प्लूरल वर्ब तब लगानी है आपको जब वहां पे कोई खेल संबंधित बात हो, जब वहां पे कोई खेल संबंधित बात हो। अगर खेल संबंधित बात नहीं है, कोई और काम कर रहे हैं, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इंडिया beats Pakistan by 4 runs and wins the match. एक example तो ये रहा, दूसरा example देखो, India has arrived at the airport to play against Pakistan. अब यहां पे हमने क्या किया, देश के नाम को टीम के लिए यूज किया है ना। इंडिया बीट्स पाकिस्तान बाय 4 run एंड विंस द मैच। सर यहां पे इंडिया और पाकिस्तान को देश के नाम है जो टीम के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और यहां बात किसकी हो रही है, खेलने की बात हो रही है, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी, एस काट दो और एस काट दो।
समझ में आई आपको। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इंडिया हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, तो सर यहां पे हैव कर दो ना, क्योंकि इस वाक्य में देखो इंडिया हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, क्या इतने से टुकड़े में कहीं खेलने की बात हो रही है क्या? इसमें सिर्फ एक बात हो रही है कि इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंची है, टीम एयरपोर्ट पर पहुंची है, खेलने की बात नहीं हो रही, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। आप इस बात को स्टार मार्क कर लेना, कहीं आप गलत कर दो, ठीक है? यहां तक आप नोट करो। क्लियर है यहां तक बातें? आओ अब आगे बढ़ते हैं। आओ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना कुछ नाउन लिखवाता हूं इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे नाउन जिनमें कंफ्यूजन होती है कि सिंगुलर कौन सा है प्लूरल कौन सा है। हमें ये तो पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, बट इसमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये तो बताओ कि सिंगुलर कौन सा प्लूरल कौन सा। तो आ जाओ मैं पूरी लिस्ट लिखवा देता हूं आपको, जितने जो इंपॉर्टेंट नाउन है जिसमें कंफ्यूजन होती है वो सारी अभी मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है? जो इधर लिखेंगे हम वो तो होंगे आपके सिंगुलर, ठीक है, और जो इधर लिखेंगे वो सारे नाउन होंगे आपके प्लूरल। पहले मैं सारे आपको सिंगुलर लिखवा देता हूं। अडेंडम, अडेंडम, बैक्टीरियम, क्राइटेरियन, डेटम, इरेटम, ठीक है ना, ये क्या है ए बी सी डी ई। तो ये डम 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 की आवाज आ रही है ना, ये सारे सिंगुलर होते हैं। अब इनके प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल क्या होता है अडेंडा, अडेंडा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, क्राइटेरिया, ठीक है, डेटा, इरेटा, ये सब क्या होता है, ये होते हैं प्लूरल, ये सब क्या होते हैं प्लूरल। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना, बाद में बताऊंगा मैं कुछ
कि डेटम सिंगुलर है और डेटा प्लूरल है। आओ आगे बढ़ते हैं, ये सारे इधर क्या लिखते हैं हम, सिंगुलर। मेमोरेंडम, इंडेक्स, कोरिजेंडम, एजेंडम, ये क्या बन गया अपना मिक्का, एक सिंगर है ना एम आई सी ए, ये क्या बन गया अपना मिक्का, और इसके प्लूरल क्या बनते हैं मेमोरेंडा, क्या बनेगा मेमोरेंडा, मेमोरेंडा, ठीक है। इंडेक्स का क्या बनेगा प्लूरल, इंडेक्सेस भी होता है और इंडिसेस भी होता है। कोरिजेंडम का क्या बनेगा कोरिजेंडा, और एजेंडम का क्या होगा एजेंडा। क्लियर है, ये क्या हो गया अपने सारे के सारे इसके प्लूरल वर्ड हो गए। क्लियर, इसके बाद में कौन से वर्ड आएंगे, एक नहीं होता एसएससी अड्डा, एक चैनल का नाम भी सुना होगा आपने एसएससी अड्डा है ना, तो एस का मतलब क्या है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम। देखो आपको ना वर्ड याद नहीं करने, ये याद करने ही नहीं है, टम 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 की आवाज आ रही है वो सिंगुलर है बाकी प्लूरल है ना, स्ट्रेटम, स्लेबस, कैक्टस, ये कैक्टस, ये एक तो स्लेबस वर्ड, कैक्टस वर्ड और एल्यूमिनस वर्ड, ये वर्ड तीन और एक पीछे आया था इंडेक्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिन पे स्टार लगाया ना वो वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ अब हम इनका प्लूरल फॉर्म देखते हैं, स्ट्रेटम का क्या बनेगा स्ट्रेटा, स्ट्रेटा, स्लेबस का क्या बनेगा स्लेबसेस, और एक वर्ड और क्या बनता है इसका स्लेबी, क्या बनता है स्लेबी, एस वाई डबल एल ए बी आई। कैक्टस का क्या बनेगा कैक्टसेस, कैक्टसेस, और दूसरा क्या बनेगा कैक्टी, ठीक है। एल्यूमिनस का क्या बनेगा एल्यूमिनाई, एल्यूमिनाई वो होता है जो पुराने विद्यार्थी होते हैं ना किसी स्कूल के किसी कॉलेज के, उनको बोला जाता है। तो ये सारे क्या है अपने सिंगुलर है और ये सारे वर्ड क्या है प्लूरल है। तो ये हमें पता ही है कि जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, जो प्लूरल नाउन है उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली बात है ना, जो इसमें नोट करने वाली बात है वो दो वर्ड है अपने, वो है दो वर्ड कौन से, एक वर्ड है एजेंडा। देखिए नोट करने वाली जो बातें हैं इसमें, जो नोट करने लायक बात है दो वर्ड है, एक वर्ड है एजेंडा और दूसरा वर्ड है डेटा, डेटा। वैसे तो ये दोनों वर्ड है प्लूरल, वैसे तो ये दोनों वर्ड है प्लूरल अभी हमने पढ़ा, लेकिन इन दोनों वर्डों को इस्तेमाल आप सिंगुलर में भी कर सकते हैं और आप प्लूरल में भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों शब्दों के साथ सिंगुलर वर्ब भी लग सकती है और प्लूरल वर्ब भी लग सकती है। ये थी इंपॉर्टेंट बात अपनी। अब इसके एग्जांपल करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, द बैक्टीरिया यू आर टॉकिंग अबाउट इज डेंजरस। गाना सुना ना तुमने डेंजरस। चलिए दोस्तों अगले एग्जांपल देखते हैं, आइए मेरे प्यारे भाइयों। दिस डेटा इज
हाईली यूजफुल. नेक्स्ट द एल्यूमनाई ऑफ दिस कॉलेज, द एल्यूमनाई ऑफ दिस कॉलेज आर वेल प्लेस्ड नाउ, मतलब वो अच्छी जगह उनकी नौकरी लग गई. आइए मेरे प्यारे भाइयों सॉल्व करते हैं. बैक्टीरिया प्लूरल होता है सर, आर आ गया. सर डेटा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इज आ गया. सर एल्यूमिनाई प्लूरल होता है, आर आ गया, बिल्कुल सही है. करिए दोस्तों यहां तक. दोस्तों कुछ हमारे पास क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, व्हाटएवर, हु, हूएवर, हूसोएवर, व्हिच, whichever, इन सभी शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी. एग्जाम्पल देखो कैसे. What happened when you meet your friends? दूसरा देखिए, whosoever has the money can dance with Remo. आओ दोस्तों कुछ है ही नहीं. व्हाट के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी इसलिए हैपन्स बना दिया. हूसोएवर के बाद में सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है. नोट करें मेरे प्यारे दोस्तों. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं. द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स कंट्री नेम. इज इक्वल्स टू, अभी समझ में आ जाएगा आपको ये क्या पॉइंट है. पीपल ऑफ दैट कंट्री, पीपल ऑफ दैट कंट्री. ये कह रहा है कि अगर कोई भाषा का नाम है जो अपने देश के नाम में से निकला है. सर बहुत ऐसे, तो देखो चाइना में से क्या निकला, चाइनीज. फ्रांस में से क्या निकला, फ्रेंच. जापान में से क्या निकला, जैपनीज, है ना. यूरोप इंग्लैंड के लिए क्या लगा देते हैं, इंग्लिश. तो सर ये भाषा के नाम है, ये क्या है, भाषा के नाम. अगर आप इन भाषा के नाम के आगे दा लगा देते हो, दा चाइनीज, दा फ्रेंच, दा जैपनीज, दा इंग्लिश, तो दा चाइनीज का मतलब हो गया चाइना के लोग, मतलब पीपल ऑफ दैट कंट्री. अब ये भाषा का नाम नहीं रहा. यानी अगर कोई ऐसी भाषा जो अपने देश के नाम में से निकली है उससे पहले अगर आप दा लगा देते हो तो वह उस देश के लोगों की बात करेगा.
द चाइनीज मतलब चाइना के लोग, फ्रांस के लोग, जापान के लोग, ब्रिटेन के लोग, समझ में आई बात आपको? एग्जाम्पल करते हैं, आपको एक बार समझ में आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को सर, लोग तो बहुत सारे होंगे उस देश में, बहुत सारे होंगे ना, तो द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, हमेशा, क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। आओ द चाइनीज इज फूड लविंग पीपल, फूड लविंग पीपल, द चाइनीज आर नोन फॉर देयर फास्ट फूड, चाइनीज अपने फास्ट फूड के लिए जाने जाते हैं। द French is spoken by French. The French is spoken by French. अभी कर देते हैं ये पॉइंट। देखिए अब आप क्या कहेंगे सर, द चाइनीज है, लोगों की बात हो रही है तो आर लगाओ। सर द चाइनीज है, चाइना के लोगों की बात हो रही है, आर बिल्कुल सही है। सर यहां पे ना द फ्रेंच इज स्पोकन बाय फ्रेंच, सर ये गलत हो गया, क्योंकि पहले वाला फ्रेंच तो है भाषा के लिए तो द काटो, और दूसरे वाला फ्रेंच आएगा लोगों के लिए तो द लगाओ। फ्रेंच भाषा फ्रांस के लोगों के द्वारा बोली जाती है, अब सही बना है ये, फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, भाषा का नाम है इसलिए सिंगुलर वर्ब हमने यहां पे लगा दी। क्लियर है, करिए जी नोट। समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त आपको ये बातें? तो हमारे इस चैप्टर के ना अब बिल्कुल थोड़ा सा दो तीन पॉइंट रह गए हैं, वो हम कवर अप कर देंगे। आप एक काम करना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, एक तो ये पूरी लिस्ट लिख लेना, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद में ये कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा जोड़े में आते हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, ये हमेशा जोड़े में आते हैं। और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पेयर में होते हैं हमेशा, इनका पेयर होता है, जैसे दूरबीन है तो वो दो होती हैं, स्पेक्टिकल्स है दो होते हैं, पेंट होती है उसके दो हिस्से होते हैं, कैंची होती है उसके दो हिस्से होते हैं, तो ये होते हैं नाउन हैविंग टू पार्ट्स, जिनके दो हिस्से होते हैं। और आखिरी में मैंने कुछ ऐसे नाउन लिखे हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, ठीक है? तो ये हम अगली क्लास में करेंगे, तीन चार पॉइंट रहते हैं हमारे और फिर ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर आज के इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।